व्यापार, अभी दिवाली आने वाली है और इसके पहले भी कैट जो है लगातार छत्तीसगढ़ में जो इकाई है व्यापारियों की, वो लगातार एक तरीके से प्रयास कर रहा है कि व्यापार कैसे बढ़े, लोकल लोगों के बीच में खरीदारी हो, और ऑनलाइन के साथ में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, अच्छाई है तो बुराइयां भी हैं, घर बैठे ऑर्डर हो जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं देख पाते और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ में कैट के अध्यक्ष श्री जितेंद्र दोषी जी है हमारे साथ में, इसके अलावा महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी है। क्या कहेंगे सुरेंद्र भैया, ये अभियान तो लगातार कैट चला रहा है। जी, कैट का अभियान तो कई सालों से चल रहा है, हम लोग ऑनलाइन के सपोर्ट में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑनलाइन खरीदी से हमारे जो लोकल दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी पे बहुत असर पड़ता है। तो होता क्या है, ऑनलाइन वाले बल्क क्वांटिटी माल खरीद के सस्ता माल बेच देते हैं। सस्ता माल बेचने से क्या होता है, लोकल दुकानदारों को बहुत इसमें तकलीफ होती है, उनका माल नहीं बिक पाता है, उनकी दुकानदारी में बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए कैट आज पीछे 8-10 सालों से इसके खिलाफ खड़ी है और निरंतर इस पे हम लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार उन कंपनियों को काफी छूट देती है जो कि हम जो व्यापारी हैं, हम व्यापारियों को छूट नहीं दे पाती। हमारा ये कहना है गवर्नमेंट से कि जो आप हमारे को जो भी हमारे ऊपर आपने टैक्सेस और वो लगाए हैं, वो ऑनलाइन कंपनियों पे भी वही चीज लगाई जाए, तो सेम अगर हमारा हो जाएगा तो फिर उसमें वो रेट में फर्क नहीं आएगा। लेकिन वो सरकार अभी ऐसा कुछ कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम लोग काफी हद तक इस पे कामयाब हो रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। जितेन भाई क्या कुछ कहेंगे, दिवाली का समय भी आ रहा है और एक अभियान भी चला रहे हैं। धन्यवाद तपेश भाई, जैसा हमारे महामंत्री जी ने बताया, ऑनलाइन व्यापार एक लोकल व्यापार के लिए बहुत बड़ा घातक है। आज रिटेल व्यापार में जीडीपी का 45% हिस्सा रिटेलर्स का है, और जो पहले त्योहारों के टाइम मार्केट में रौनक रहती थी वो शनै शनै कम हो रही है, उसका कारण ऑनलाइन है। ऑनलाइन का सबसे ज्यादा प्रभाव मोबाइल में, रेडीमेड में, जूतों में, इस टाइप के व्यापार के पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। तो हम यही चाहेंगे हर व्यापारी से कि आप शपथ लें कि आपके घर में भी ऑनलाइन, जो अगर आप मोबाइल के व्यापारी है तो कपड़ा ना मंगाए, कपड़े के व्यापारी है तो मोबाइल ना मंगाए, तो इस टाइप से शपथ लें कि आप ऑनलाइन व्यापार को बिल्कुल ना करें। और ऑनलाइन हम सरकार से बराबर लड़ाई कर रहे हैं और सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रेस नोट 2 है वो उसको आप जल्दी जारी करें, जो सुविधाएं आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वालों को देते हैं वो हमारे सामान्य व्यापारियों को वो सुविधाएं अगर मिल जाएंगी तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारा एक छोटा सा व्यापारी भी एक बड़े से बड़े इंटरनेशनल पार्टी को हम लोग टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है। तो इसके लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सरकार भी कई चीजों में मान चुकी है। हाई कोर्ट में 2 जगह, कर्नाटक हाई कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं, एक हरियाणा हाई कोर्ट में जीत चुके हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेजोन ने केस लगाया है, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें भी उनका एक बार खारिज हो चुका है, तो आगे जाके ये जरूर हमको विजय मिलेंगे और हम अपने आने वाली पीढ़ी को जो व्यापार स्वरूप में देके जाएंगे और शोर देके जाएंगे, इसमें हमारा एक तटस्थ कार्यक्रम है। बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन भी होना चाहिए। भरत जैन भी हमारे साथ। एक बात मैं और बोलूंगा, हमारी कैट की तरफ से भी भारतीय मार्ट ऑनलाइन की कोशिश की गई है और आने वाले टाइम में भारतीय मार्ट का भी ऑनलाइन टाइप ही काम चालू हो जाएगा। ऑनलाइन काम जो है हमारे साथ में करेंगे। भरत भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं, भरत जैन जी? अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि आप वो वस्तुएं खरीदें जिसमें आपके देश के लोगों के पसीने की खुशबू हो, तो एक तरह से भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है और हम व्यापारी भी कर रहे हैं, हमें यकीन है कि हम अपने मांग में सफल होंगे। बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए और सरकार धीरे धीरे ये बात मानेगी। जो सुविधाएं मिल रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो अतिरिक्त मिल रही है, अगर वो रुक जाएगी तो कंपटीशन में हमारे लोकल व्यापारी आ जाएंगे, और लोकल ही है जो कोविड में काम किया और आपके पड़ोसी हैं वो हमेशा काम आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रहे। आपने समय दिया, मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, बोलिए जय व्यापार, जय व्यापार।